नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के डिटेल्स के बारे में, जो आपका पोर्टफोलियो में जरूर शायद इस कंपनी का शेयर होंगे। अगर ना भी हो तो भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो आपको किसी भी कंपनीज के बारे में जानकारी लेना चाहिए, अगर आप उस कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट फ्यूचर में शायद आपको बने तो उस कंपनी के ऊपर निवेश कर सकते हैं। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो जरूर कर लेना, साथ साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं एज ए लर्निंग पर्पस में, और आप ट्रेडिंग करते हैं तो टेलीग्राम आपके लिए बेस्ट चैनल रहेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उसका नाम है RBNL। आप देख सकते हैं लगातार लगातार कंपनी अपर सर्किल लगाते जा रहा है, और वो भी देखिए 10% के आसपास अपर सर्किल देखने को मिल रहा है। देखिए हमेशा आप जानते हैं 5% और 10% इस तरीके से अपर सर्किल लगते जाते हैं। तो इस कंपनी में ऐसे क्या हुआ जो 6 मंथ में 180% का रिटर्न, 1 साल में 300% के आसपास रिटर्न, और 5 साल में 500% से भी आसपास रिटर्न, और मैक्सिमम में भी 500% आसपास। तो कंपनी देखिए धमाका परफॉर्मेंस किया, बहुत दिनों तक एक ही रेंज में कंपनी चल रहा था। कोविड के टाइम के बाद भी कंपनी एक ही रेंज में ट्रेड किया था, और 2022 के बाद इस कंपनी रॉकेट की तरह जम दिखाया। मैं आपको एंट्री लेवल भी दिया था एज ए स्विंग ट्रेडिंग में, तो बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया, मैं खुद भी ऑब्वियसली प्रॉफिट कमाया अच्छा खासा, तो मुझे भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। तो जो मैं ट्रेड दिया था वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले इस कंपनी के अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है जिसके चलते है स्टॉक के ऊपर इतना तेजी देखने को मिला है, क्या इस तेजी में निवेश करना सही होगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दिग्गज मैं बिजनेस टुडे के ऊपर आ चुका हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, RBNL शेयर जम्प 26% इन 3 सेशन, मतलब 3 दिन के सेशन के अंदर, सेशन मतलब मार्केट ओपन हुआ इस तरीके से 3 दिन के बाद बारे में बात किया जा रहा है। हिट फ्रेश ऑल टाइम हाई, यहाँ पे देखिए दो तरीके से हाई होता है, एक 52 वीक का हाई और दूसरा होता है ऑल टाइम हाई। यहाँ पे ऑल टाइम हाई क्या होता है, देखिए बहुत सारे कंपनीज होते हैं जहाँ पे पहले कभी भी उस लेवल में नहीं गया, तो उसको बोला बोला जाता है ऑल टाइम हाई। और 52 वीक हाई कहाँ पे बोला जाता है, मान के चलिए कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है फिर भी उसको 52 वीक की बोला जा रहा है, क्योंकि कंपनी पहले भी स्प्लिट एंड बोनस देकर उस लेवल से ब्रेक कर चुके हैं, तो इसलिए 52 वीक हाई बोला जाता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, आप देख सकते हैं इस तरीके से जूम होने के पीछे कुछ कारण है, तो कारण कौन सा है, उससे पहले देखिए 29 इसका लो था, 52 वीक का लो, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 348% का कंपनी जम किया, और यहाँ पे लो लेवल से कंपनी ने जो हाई किया 293.95% के आसपास। देखिए लगातार कंपनी के ऊपर जम देखने को मिला है, और इसके पीछे कुछ कारण भी है। कुछ कारण क्या है, क्योंकि कंपनी को लगातार लगातार प्रोजेक्ट मिलना, क्योंकि कंपनी का बहुत सारे प्रोजेक्ट मिला, बहुत सारे, चाहे वो मेट्रो रेल्स का प्रोजेक्ट, साथ ही साथ आप देखेंगे फेज 2 प्रोजेक्ट, साथ ही साथ आप देखेंगे और 3,146 करोड़ का टोटल बजट प्रोजेक्ट भी कंपनी को मिला, मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट मिला, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट कंपनी को मिला। सबसे बड़ी बात जो है इस प्रोजेक्ट लगातार मिलने के कारण और स्टॉक में इतना शानदार रैली होने के कारण कंपनी को जो हासिल हुआ वो सबसे बड़ी बात है, जिसके चलते स्टॉक में और भी तेजी आ सकते हैं। वो क्या है, वो है नवरत्न स्टेटस। तो नवरत्न स्टेटस क्या होते हैं, देखिए किसी भी कंपनी को अगर नवरत्न स्टेटस मिल जाता है तो वो कंपनी खुद कुछ डिसीजन लेते हैं, मतलब प्रोमोटर जो है उसका, उस प्रोमोटर खुद कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। मान के चलिए एक कंपनी है, वो कंपनी गवर्नमेंट के अंदर ऑपरेट होते हैं, तो गवर्नमेंट के डिसीजन से भी चलते हैं। अगर किसी उस कंपनी को अगर नवरत्न स्टेटस मिल गया तो वो कंपनी खुद के पैसे को दूसरे कंपनी के ऊपर निवेश कर सकते हैं, उसने कंपनी को एक्वायर कर सकते हैं। तो इस तरीके से चीज करने के लिए उसको नवरत्न स्टेटस चाहिए, तो वो स्टेटस मिल चुका है कंपनी को, तो अभी वो कंपनी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट, किसी भी कंपनीज को खरीदारी, ये सब कुछ वो कर सकते हैं। तो इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कंपनी को लगातार मिलने, मतलब मिलने वाला प्रोजेक्ट, जैसे कंपनी का देखिए महाबजाज सागर प्रोजेक्ट मिला, साथ ही साथ यहाँ पे बानेसर राजस्थान प्रोजेक्ट मिला जो 2,250 करोड़ के, 49 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रोजेक्ट है। तो इतने सारे प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है जिसके चलते स्टॉक के ऊपर एक शानदार बूम देखने को मिला। अभी रही बात इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग जर्नी के लिए, तो लॉन्ग जर्नी के लिए अगर आप एज ए इन्वेस्टर है अपने शायद इस लेवल में खरीद कर रखे हैं, या आप सोच रहे हैं कि इस लेवल में खरीदारी करूं, तो मैं एक ही बात कहूंगा,
अभी जिस लेवल से स्टॉक के ऊपर जूम देखने को मिला है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा होल्ड करिए। अभी यहाँ पे बाई मत करिएगा, थोड़ा सा होल्ड करिए। कभी भी आपको रिट्रेसमेंट दिखे तब एंट्री लेना, क्योंकि इस तरीके से तेजी जब आते हैं ना, तभी कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जो लोग यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वो लोग अच्छा खासा प्रॉफिट होने के बाद वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा। अगर प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है, तब आप जरूर एंट्री ले सकते हैं। तो देखिए, मेरे को रिकमेंडेशन नहीं है, मैं इस तरीके से स्टेटस चेक करके ही एंट्री लेता हूँ। तो मेरा इतने सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से अगर एंट्री लेंगे तो आपको डिस्काउंट में शेयर मिलेगा अच्छे कंपनी का। बाकी आपके क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करना। तो सेकेंड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा, वो राकेश जी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जिसका नाम है टाइटन। देखिए, टाइटन के बारे में बात करूँ तो मैं 3 मंथ, 1 साल, 5 साल और मैक्सिमम ये सारे डेटा दिखा दूँ तो कंपनी को 61,000% का रिटर्न दे चुके हैं। इतना शानदार रिटर्न दिया है आज तक राकेश झुंझुनवाला जी इस कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा, लाखों करोड़ों का पैसा यहाँ पे ही डाल के रखा है। अगर आप पब्लिक में जाएंगे तो आपको खुद दिखेगा झुंझुनवाला राकेश राधेश्याम और रेखा राकेश राधेश झुंझुनवाला। इसका मतलब उनके वाइफ के नाम में और उनके नाम में, दोनों में ही यहाँ पे होल्डिंग है। अभी देखिए, उनके नाम में जो होल्डिंग था वो होल्डिंग तो यहाँ पे देखने को नहीं मिला, क्योंकि उसका देहांत होने के बाद वो सारे होल्डिंग उनके वाइफ के नाम में चला आया। तो उनके वाइफ के नाम में जो होल्डिंग है, वो होल्डिंग यहाँ पे 5.5% के आसपास है। तो पहले 3.85 था, उसके साथ खुद रेखा जी के पास 1.69 होल्डिंग था। ओवरऑल बात करूँ दोनों को यहाँ पे जुड़कर, यहाँ पे होल्डिंग खुद ओन करते हैं अभी रेखा जी। और देखिए, पिछले क्वार्टर में भी जो होल्डिंग था, उससे भी इस क्वार्टर का होल्डिंग और भी बढ़ाया गया है। देखिए, यही हम लोग गलती करते हैं, जब अच्छे कंपनी सस्ते में मिले तब हम लोग निवेश नहीं करता। हम लोग कब निवेश करते हैं? जब अच्छे कंपनी हायर लेवल में होते हैं, खराब कंपनी भी हायर लेवल तोड़ते हैं, तब उस कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना। तो मैं आज इस कंपनी के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी का पिछले दिनों में क्वार्टरली रिजल्ट आ गया था और कंपनी 10 रुपया करके डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो कंपनी आपको 10 रुपया करके डिविडेंड देने वाले है, तो उससे पहले कंपनी डिविडेंड क्यों दिया और सही में क्या कंपनी ने रिजल्ट अच्छा किया, वो देखना जरूरी है। उसके लिए मैं यहाँ पे आपको क्वार्टरली रिजल्ट दिखा देता हूँ। देखिए, इस सारे डेटा को आप ध्यान से चेक करिएगा। यहाँ पे 3 डेटा मैं एक साथ आपको दिखाने वाला हूँ। पहले ये जो डेटा है, ये पिछले सालों के क्वार्टर्स का, ये जो डेटा है इस क्वार्टर का, और ये जो डेटा है पिछले क्वार्टर का। ये तीनों डेटा अगर देखेंगे तो फर्स्ट, अगर पिछले सालों के सेल्स देखेंगे तो 7,700 करोड़ का, और इस बार कितना हुआ? 10,300 करोड़, मगर पिछले क्वार्टर में उससे ज़्यादा था। हाँ, एक्सपेंस भी कंट्रोल में है। तो उसी तरीके से देखेंगे तो कंपनी का ओपीएम, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, ओपीएम अगर धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रहा है, तो सोचना कंपनी में एक अच्छा खासा ग्रोथ मेंटेन कर रहा है। तो 10 से 12%, 14% के अंदर ही ओपीएम देखने को मिला है। तो रही बात कंपनी का डिप्रिसिएशन का, तो डिप्रिसिएशन आप देखेंगे 102 टोटल डिप्रिसिएशन देखने को मिला। पिछले बार 113 था, इस बार 119 हुआ। इसका मतलब डिप्रिसिएशन जो एक्सपेंस है वो बढ़ते जा रहा है। इंटरेस्ट भी कंपनी को चुकता करना पड़ा, तो कर्जा उतना ज़्यादा नहीं है। उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिला। तो ध्यान से देखिएगा, कंपनी 527 करोड़ का प्रॉफिट किए थे और इस बार 736 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया, मगर कंपनी ने क्या किया, कंपनी क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। इसी के चलते आज के दिन स्टॉक के ऊपर एक प्रेशर देखने को मिला। तो देखिए, हमेशा इस तरीके से अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि कल जाकर शेयर बेच दूँ, परसों जाकर शेयर खरीदारी कर लूँ, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। आपको कंपनी की स्ट्रेंथ को पकड़ना पड़ेगा, कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है वो देखना पड़ेगा। देखिए, जो कंपनी इस तरीके से स्ट्रेंथ को मेंटेन करके चलता है, यहाँ पे प्रॉफिट ईयर ऑफ ईयर बेसिस में हर साल में ग्रोथ होता जा रहा है, उसके साथ कंपनी का ओपीएम भी ग्रोथ होता जा रहा है, तो उस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको आँख बंद करके भरोसा करना चाहिए। रही बात इसका रिटर्न का, इससे धमाका रिटर्न आज तक कंपनी टाइटन ग्रुप, टाटा ग्रुप के कोई इस तरीके से कंपनी ने नहीं दिया। सिर्फ प्रॉफिट दिया, ऐसे ऐसे मैं नहीं कहूँगा। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, हर कुछ डेटा देखेंगे तो आपको बेस्ट लेवल देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर मैं यही कहूंगा, टाइटन जैसे कंपनी के ऊपर स्टडी करिए। इसका एक लॉन्ग जर्नी अपसाइड में ट्रेंड है, तो इस लेवल को ब्रेक करता है तो एक बड़ा जर्नी देखने को मिलेगा, और जब इस लेवल को ब्रेक करेगा तो मैं आपको जरूर एक एंट्री लेवल जरूर मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा टेलीग्राम में। तो इसके ऊपर फोकस रखिएगा, और मेरा वन ऑफ द फेवरेट कंपनी है, तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत पहले से निवेश करके रखा। आपके पास होल्डिंग है तो मुझे जरूर कमेंट करना। लास्ट जो कंपनी है जिसका नाम आप देख सकते हैं, विशाखा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो एक सीमेंट
सीमेंट के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सीमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। अगर इस कंपनी का कंप्यूटर देखेंगे तो आपको दिखेगा सीमेंट प्रोडक्ट। तो सीमेंट का जो प्रोडक्ट है, तो सीमेंट से बना हुआ जो प्रोडक्ट है उसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। कंपनी के जो मेजर रेवेन्यू आते हैं आप देख सकते हैं सीमेंट एडवेस्टर बिजनेस। तो एडवेस्टर बिजनेस में कंपनी का 60% से 70% रेवेन्यूज कंपनी इसी से जनरेट करते हैं, इसका सबसे बड़ा बिजनेस यही है। तो मैं इस कंपनी के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी ने एक अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस दिया। कंपनी यहाँ पे क्रैश भी हुआ था 2018 के बाद, फिर से रिकवरी भी किया, फिर से क्रैश, फिर से रिकवरी, तो इस तरीके से चलते आए हुए हैं। तो कंपनी इसके यहाँ पे फेस वैल्यू है, वो फेस वैल्यू अभी 2 रुपया बनने वाला है, क्योंकि एक के बदले कंपनी आपको 5 से देने वाला है। तो जल्द से जल्द इसका स्प्लिट होने वाला है। तो जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर शेयर खरीद के रखे हैं तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो फिर भी मैं कहूँगा शेयर बाय करने से पहले एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। मित्र नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।